जय माता दी दोस्तों। चाणक्य नीति के चाणक्य ने छठे अध्याय में कहा है कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, दुर्बुद्धि को छोड़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोधी और मनुष्यों में चुगली करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। कांसे का पात्र राख से, तांबे का पात्र खटाई से और स्त्री रज स्वरा होने से और नदी धारा के वेग से शुद्ध होती है। भ्रमण करने से राजा, ब्राह्मण और योगी सम्मानित होते हैं, किंतु इधर उधर घूमने से स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहा जाता है। जैसा होनहार है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधा हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल ही सभी प्राणियों को खा जाता है और काल ही प्रजा का नाश करता है। जब पूरा संसार सोया रहता है उस समय भी काल जागता है और काल को कोई टाल नहीं सकता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में उन्मत्त व्यक्ति को भला बुरा दिखाई नहीं देता, मद और व्यसन से मतवाला कुछ सोच नहीं पाता और अर्थ या धन का लालची किसी कार्य में दोष को नहीं देखता। जीव स्वयं ही कर्म करता है, उसका पालन भी स्वयं ही भोगता है, वह स्वयं ही संसार की मोह माया के भ्रम में फंसता है और आप ही इससे मुक्त होता है। अपने राज्य में हुए पाप को राजा को लगता है, राजा के पाप को पुरोहित को लगता है, स्त्री का पाप उसके पति या पिता को और वैसे ही अपने शिष्य का पाप गुरु को लगता है। ऋण लेने वाला पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख संतान शत्रु है और सुंदर पत्नी स्त्री शत्रु है, अर्थात आप इनकी वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं और इसीलिए सतर्क रहें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इनसे शत्रुवत व्यवहार करें। लोभी को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़ने से, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। राज्य ना हो तो अच्छा है, परंतु दुष्ट राजा का होना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र का होना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु निंदित शिष्य अच्छा नहीं है। बिना पत्नी के रहना उचित है, किंतु दुष्ट पत्नी का होना उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहां, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट स्त्रियों से घर में प्रीति कहाँ, दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कीर्ति कहाँ। शेर और बगुले से एक एक, गधे से तीन, मुर्गे से चार, कौए से पांच और कुत्ते से छह गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। विद्वान को अपने संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर समय और अपने बल के मुताबिक कार्य साधना चाहिए। समय से जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना, स्वयं आक्रमण करके किसी से अपने लक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मैथुन गुप्त स्थान में करना, धैर्य से काम लेना, घर में इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना, सावधान रहना और किसी का विश्वास नहीं करना, ये पांच गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति रखें, थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाएं, गहरी नींद में सोएं, परंतु जरा सी खटके पर ही जाग जाएं। अपने रक्षक से स्वामी भक्ति करें और शूरता दिखाएं। इन छह गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतुष्ट होकर विचरण करना, ये तीन बातें गधे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य इन 20 गुणों को धारण करेगा वह मनुष्य सदा अपने जीवन के सभी कार्यों में विजयी होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।